अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अगर आप बुलंदशहर इज्तिमा को एक बहुत बड़ा इज्तिमा मानते हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। आलमी तबलीगी इज्तिमा बुलंदशहर 1, 2, 3 दिसंबर को मुनक्किद हुआ है और इस इज्तिमा का पूरे 3 रोज का टाइम टेबल हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो इस इज्तिमा में सुबह सादिक 5:30 बजे होगी और तुलू आफ्ताब 6:53 को होगा। जवाल का वक्त 12:08 पर है, जबकि इब्तदा असर 3:45 को है और मगरिब 5:22 को। फजर की अजान 5:35 को होगी और जमात 6:10 को। जोहर की अजान 1:30 पर होगी और जमात 2:00। असर की अजान 3:50 को होगी और जमात 4:15 को। और मौज़िन मौलवी अबरारुर रहमान साहब दामत बरकातो होंगे, जबकि इमामत मुफ्ती मकसूद साहब करेंगे। इज्तिमा के पहले दिन 1 दिसंबर को सनीचर के रोज फजर के बाद मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातहू का बयान होगा, जबकि मौलिमीन से बात में मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातहू इसके बाद में बयान करेंगे। जोहर के बाद मौलाना मुस्तकीम साहब का बयान होगा, जबकि असर के बाद मौलाना सईद कांदेवली साहब दामत बरकातहू का बयान होगा। मगरिब के बाद हजरत जी मौलाना साद साहब दामत बरकातहू का बयान होगा। इसके बाद उलमाए कराम में भी हजरत जी मौलाना साद साहब बयान करेंगे। इस तरह से पहले दिन का इख्तिताम होगा। दूसरे दिन 2 दिसंबर 2018 को इतवार के रोज खुसूसी मजलिसे होगी, जिसका वक्त 9:00 से 11:00 होगा। उलमाए कराम में हजरत जी मौलाना साद साहब कांदेवली दामत बरकातहू बयान करेंगे और खास के अंदर मौलाना शौकत साहब बयान फरमाएंगे। अरबी के अंदर बयान होगा इसके बाद में और अंग्रेजी के तुलबा में मौलाना जमशेद साहब दामत बरकातहू बयान करेंगे। समाज से माजूर अहबाब के अंदर मौलाना चिरागुद्दीन साहब बयान फरमाएंगे। बैरून जाने वालों में मुफ्ती शहजाद साहब दामत बरकातहू बयान करेंगे। जमातों में जाने वालों में भाई मुरसलीन साहब बयान फरमाएंगे। खिदमत वालों में बाद जोहर मौलाना यूसुफ साहब बयान फरमाएंगे। पुराने काम करने वालों में हजरत जी मौलाना साद साहब बयान फरमाएंगे और इज्तिमा के अंदर फजर के बाद मौलाना यूसुफ कांदेवली साहब बयान फरमाएंगे, जोहर के बाद भाई मुरसलीन साहब, असर के बाद हजरत जी मौलाना साद साहब और मगरिब के बाद भी मौलाना साद साहब बयान फरमाएंगे। इस तरह से दूसरे दिन का भी इख्तिताम होगा। अब तीसरे दिन 3 दिसंबर 2018 को पीर के रोज फजर के बाद भाई हारून साहब दामत बरकातहू बयान फरमाएंगे। रवानगी बयान और दुआ हजरत जी मौलाना साद साहब कांदेवली बरकातहू करेंगे। इस तरह से ये 3 दिन का इज्तिमा इख्तिताम पजीर होगा। दोस्तों, आप सभी से दरख्वास्त है कि इस इज्तिमा की कामयाबी के लिए दुआ करें और इज्तिमा में जाने की कोशिश करें और दूसरे हजरात को भी रागिब करें इज्तिमा में जाने के लिए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आप बुलंदशहर इज्तिमा में मौलाना साद का इंतजार कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। दहली बरकत की जानिब से हजरत मौलाना साद साहब ने बुलंदशहर में होने वाले इज्तिमा के लिए हिदायत जारी की है, जिसकी मुख्तसर कुछ खास बातें हम इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। तो बराह मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। हजरत मौलाना साद ने फरमाया कि अपनी मेहनत को अल्लाह के यहाँ कबूल करवाने के लिए इज्तिमा में आते वक्त इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी को जरा भी नुकसान न पहुंचे। किसी की गाड़ी को, किसी की खेती को, किसी के घर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हजरत ने हदीस बयान की कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से, जो ऐलान करने पर मुतय्यन थे, उनसे ऐलान कराया कि सहाबा में जाकर यह ऐलान कर दो कि जो शख्स दूसरों के लिए रास्ते को बंद करेंगे या जगह को तंग करेंगे, उनका जिहाद अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह ऐलान मुनादी से करवाया। हमें इस हदीस का ध्यान हमेशा रखना चाहिए और किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए इज्तिमा में आते वक्त किसी को भी नुकसान ना पहुंचे, इसका खास ध्यान रखिए। हजरत मौलाना साद ने आगे फरमाया कि हुकूमत का जो ट्रैफिक का निजाम है, इस पर मुकम्मल अमल करें और आने जाने में इन बातों का ध्यान दें।
آپ نے فرمایا کہ ٹریفک کے نظام کی رعایت کرنا جان بچانے کی غرض سے فرض ہے، اس لیے ہمارے تمام کام کرنے والے اور اجتماع میں آنے والے تمام حضرات ٹریفک کے تمام قانون کی پابندی کریں۔ اور آخر میں حضرت نے بتایا کہ پنڈال بنانے والے اور تمام محنت کرنے والوں کے لیے اجر اور ہدایت کی دعا کرے۔ اس اجتماع میں جس بھی شخص نے جو بھی تعاون کیا ہے اس شخص کے لیے ہدایت کی دعا اور اجر کی دعا تمام حضرات کرے، یہ سب کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ان کی تمام محنت ہم پر احسان ہے، ان کی ذمہ داری نہیں ہے، اس لیے ان کے لیے دعا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ان تین باتوں کا دھیان اجتماع میں آتے وقت ضرور رکھے۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور بلند شہر اجتماع کی کامیابی کے لیے دعائیں کریں۔